नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट चैनल में। तो आप लोगों को पता है कि हमने अब सावधान इंडिया को रिव्यू करना शुरू किया है, यानी कि सावधान इंडिया को सावधान करना शुरू किया है। उसी श्रृंखला में सेकंड एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को देखिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सावधान इंडिया की कल की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, यानी कि उसको मुंबई जाना है, उसके लिए वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है और उसके लिए वो बहुत कुछ करती है और अल्टीमेटली वो भी मर जाती है। तो ये इन शॉर्ट में ऐसी कुछ कहानी थी। कल की कहानी में काफी कुछ अच्छे पॉइंट्स है, जैसे कि कास्टिंग काफी हद तक अच्छी थी, एक दो लोगों को छोड़ के बहुत अच्छे एक्ट्रेस थे जिन्होंने अपने अपने किरदार को बहुत अच्छे से किया और स्क्रीन प्ले डायलॉग भी बहुत अच्छे थे। मगर कुछ एक चीजें थी जो मुझे खली में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मुझे लगा पेरेंट्स वाला पॉइंट। कहानी में आपने देखा होगा कि लड़की की शादी जबरदस्ती की जाती है, वो होती है अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब भी कोई तकलीफ होती है तो जो ससुराल वाले होते हैं मायके वालों को इमीडिएटली खबर करते हैं। और यहाँ पे तकलीफ पहले दिन से, यानी कि पहले गृह प्रवेश के बाद ही शुरू हो जाती है, जब लड़की के नाटक शुरू हो जाते हैं कि वो तो नाग देवता को समर्पित है और अपने पति को हाथ तक नहीं लगाने देती और ऐसा शो करती है उसको दौरा पड़ गया है, वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है, ऐसे ऐसे नाग बनाने लग जाती है, तो घर के लोग डर जाते हैं। जब इतनी डरावनी सिचुएशन होती है, नई नई लड़की घर में शादी करके आई है, तो पहला कंसर्न हमेशा ससुराल वालों का पेरेंट्स के साथ होता है, जो कि इस स्टोरी में नहीं दिखाई दिया। पेरेंट्स तब आते हैं घर के अंदर जब कोई पूजा चल रही होती है, एक डेथ हो चुकी होती है, तब पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता, पूजा के बहाने आपने बुलाया तो हमें पता चला। वहां पे उसकी माँ जो है, लड़की की माँ, उसको समझाती है, इनफैक्ट डांटती है कि मुझे तेरे चाल चलन का पता है, तेरे इरादों का पता है, तू ये सब करना बंद कर दे, सुधर जा। ये सब चीजें उस सीन में दिखाई दी जो बहुत ही लेट हो गया कहानी के अंदर, जबकि वो शुरू में ही आना चाहिए था। सोच सकते हैं कि अगर वो नहीं दिखाना चाहते पेरेंट्स को तो कुछ ऐसा कोई डायलॉग यूज करते जिससे ये पता चलता कि पेरेंट्स के टच में नहीं है ससुराल वाले, वो कोशिश कर रहे हैं मगर टच में नहीं रह रहे हैं। कुछ भी ऐसा एलिमेंट दिखाते जिससे ये पता चलता कि कहानी ओरिजिनल है, कहानी टच है, कहानी में सच्ची कहानी वाला। खैर, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था पुलिस वाला। दो लोगों की मौत हो जाती है, एक बच्चे की और एक दोस्त की, जो मर जाते हैं जहर से। उसके पहले पुलिस नहीं आती है, दोनों मर्डर हो जाते हैं, पुलिस नहीं आती है। तीसरे मर्डर में अचानक ही पुलिस आ जाती है। क्यों आती है, कैसे आती है, किसने बुलाया, कुछ पता नहीं चलता। कि पुलिस का एकदम से तीसरे बंदे से इतना कंसर्न हो गया, या घर वालों का इतना कंसर्न हो गया कि पहले दो मौतें घर वालों को बहुत ही आम मौतें लगी, उन्होंने उसको जाने दिया, वैसे ही तीसरी मौत हुई वो तब उनको वो आम मौत नहीं लगी। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि ये क्या चक्कर है। और तीसरा पॉइंट जो था दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट, वो था जो कल्प्रिट निकलता है, जो कातिल निकलता है, वो निकलता है घर के अंदर का ही एक सदस्य, यानी कि दूसरा बेटा। तो ये दूसरा बेटा कैसे कातिल हुआ मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है जब ये कहानी इन्होंने ली हो सच्ची घटना से, वहां पे वो कातिल हो, वहां पे वन लाइन स्टोरी में कुछ ऐसा हो, मगर जो जिस तरह से कहानी को रिप्रेजेंट किया गया, पेश किया गया, उसके हिसाब से अगर लड़की जो नागिन बनती है जिसका नाम रेनू है, अगर वो वाकई देवर से प्यार करती थी तो ये अरेंज मैरिज कैसे हुई, क्यों वो इस मैरिज के अगेंस्ट थी, उसको तो विलिंगली ये मैरिज करनी चाहिए थी मगर वो अगेंस्ट थी, चलो मान लेते हैं कि तब वो प्यार नहीं करती थी, तो जब शादी होगी तब देवर के साथ उसका अटैचमेंट बढ़ा, मगर वो क्यों बढ़ा, कहाँ पे बढ़ा, हमें तो कहानी में कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया कि कैसे वो देवर के टच में हुई, कैसे देवर ने उसके साथ प्यार करना शुरू किया, कैसे वो एक बॉयफ्रेंड जो उसके साथ शुरू में कहानी के पहले सीन से वो बॉयफ्रेंड उसके साथ था उसको डिच करके देवर के साथ प्यार कर रही है, तो वो क्या लालच का रिश्ता था, जो भी रिश्ता था वो कहाँ से कैसे डिवेल्प हुआ। क्योंकि कहानी में जब एंड होता है तो जब वो देवर नागिन बनी लड़की को, यानी कि रेनू को भी मार देता है, वहां पे फ्लैशबैक में थोड़ा थोड़ा ये दिखाते हैं कि देवर ने किस किस तरह से मदद की, मगर वो मदद की क्यों, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्योंकि अगर हम सोचे कानून के तौर पे भी सोचे तो हर बार
जब इवन हम फिल्म में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, इवन ओरिजिनल लाइफ में भी देखते हैं कि हर एक स्टोरी के पीछे, हर क्राइम के पीछे कोई लॉजिक होता है। जैसे कि परसों की स्टोरी में था बंदा साइको था, उसका दिमाग ही ठीक नहीं था इसलिए उसने ये सब कर दिया। कल की एपिसोड में बंदा होशोहवास में था, बंदे के अपने ही घर के गहने, अपने ही घर के देवी देवता जो बेचती है, वो लड़की पैसे कमाती, वो भी उसी के घर के थे, अल्टीमेटली उसी को उसको भी मिलने थे। वो इन सब चीजों के लिए वो अपने भाई को, अपने भतीजे को कत्ल कर रहा है, तो कोई वजह तो होगी उसके पीछे। मुझे ये जो लॉजिक दिखाया उसको लास्ट में, जो लड़का दिखाया कि ये लड़का मेन कल्प्रिट था, मुझे वो पूरा को पूरा क्रिएट किया हुआ ड्रामा लगा। मुझे लगा ये सच्ची घटना का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगा कि ये सब जो दिखाया गया, ये जो तीन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्या वाकई ये पॉइंट्स और ज्यादा इलेबोरेट होने चाहिए थे? बाकी जो ड्रामा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया डराने का, वो ड्रामा कम होना चाहिए था, ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए था, ना कि ड्रामे को ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा ड्रामाटाइज करना चाहिए था। तो मुझे तो ये सब लूपहोल्स लगे हैं कल की स्टोरी में। आपके क्या विचार हैं? हमें मिलके करना है सावधान इंडिया को और भी ज्यादा सावधान, ताकि जो कैप्शन वो शुरू में देते हैं कि सच्ची घटनाओं पे आधारित, उसके साथ जस्टिफिकेशन करें, ना कि ड्रामा बढ़ाने के चक्कर में सच्ची घटना को पीछे छोड़ दें और ड्रामे को आगे लेके चले। यही मेरा कहना है आप लोगों से। आप लोग कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, बताइए आपको कैसा लगा। टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।